आज मैं आपके साथ एक ऐसी अलौकिक घटना शेयर कर रहा हूँ। बात है 1879 की, 1879। तब ब्रिटिश का अपने यहाँ राज चल रहा था। उनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे सी मार्टिन। वो न्यूली नई नई शादी हुई थी। वो हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में आगर मालवा में आके ठहरे हुए थे। तो चूंकि उस समय अंग्रेजों और अफगानों का युद्ध चालू हुआ, तो इनकी तैनाती वहाँ पे अफगानिस्तान में की गई। तो वो वहाँ से इनको हर बार कुछ न कुछ पत्र लिखते रहते थे, तो इनकी मिसेज को भी लगता था कि परफेक्ट काम चल रहा है। कई महीनों के बाद पत्र आने बंद हो गए, तो ये चिंतित होने लग गई। तो एक दिन वो वहाँ से गुजर रही थी, तो एक बड़ा शिव मंदिर इनको दिखाई दिया। उनके अंदर से शंख की ध्वनि और आरती की ध्वनि आई, तो इनके उत्सुकता बस अंदर गई और आरती में थोड़ी देर बैठी रही। पर जब ब्राह्मणों ने उनको चेहरे पे उदासी देखी, तो पूछा, भाई बहन तुमको क्या तकलीफ है? तो बोले, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं वहाँ वॉर में और उनका कोई पत्र वगैरह नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला, आप महादेव के ऊपर आस्था रखो, आपका सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला, फिर क्या? तो उन्होंने बोला कि ओ हरिओम, आप है ना ओम नमः शिवाय, और 11 दिन का रुद्राभिषेक कराइए, लघु रुद्राभिषेक करवाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस दिन के बाद रोज वो शिव मंदिर जाने लग गई और 11 दिन तक वो कंटिन्यूस जाती रही और उनको शिव की महिमा रोज समझती रही। और धीरे धीरे उनकी आस्था इतनी प्रगट हो गई। 11वें दिन जैसे ही उनका खत्म हुआ लघु सूत्रम, उनको एक मैसेज आया, अफगानिस्तान से लेटर आया कि मैं सुरक्षित हूँ। पर सुरक्षित हूँ उसके साथ लेटर में उन्होंने जो कुछ अनोखा लिखा था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कर्नल मार्टिन ने लिखा कि हम एक ऐसी जगह जहाँ चारों ओर से हमें अफगानों ने घेर लिया था, हमारे मौत के अलावा हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतने में एक इंडियन योगी, भारतीय योगी, जिसके ऊपर पूरा का पूरा शेर की खाल पहना हुआ था और जिसके हाल में त्रिशूल जैसा था, वो आए और उन्होंने जिस स्पीड से त्रिशूल घुमाया और सब जितने भी अफगान लड़ाके थे वो सब डर डरा के भाग गए और हमको बच गए। और वहाँ वो हमारे पास आए और मुरे को बोले कि मैं तुम्हारी पत्नी, मेरी भक्त है, इसलिए मैं तुझे बचाने आया हूँ। तो मुझे भी सरप्राइज हुआ, मैं तो वेस्टर्नर था, पर मैं ये सब तुझे मेरे साथ जो वाकया हुआ वो लिख रहा हूँ। वो जैसे ही पढ़ा, उनकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। थोड़े दिनों के, कई महीनों की यात्रा के बाद जब कर्नल मार्टिन आए और कर्नल मार्टिन को वो जो बैजनाथ मंदिर लेके गए, और जब वो जैसे ही वहाँ का देखा, तो बोले, ये तो वही मिलते जुलते थे, वही आए। तब उनकी आस्था इतनी गहरी हुई कि आज वो 1883 में उन्होंने 15,000 रुपये उस जमाने में देके बैजनाथ मंदिर का नवीनीकरण कराया था। और वो पूरा परिवार, पूरा ब्रिटिश इंडिया ने जहाँ यहाँ 200-250 साल रूल किया, वो अकेला मंदिर है हिंदुस्तान में जिसका पैसा ब्रिटिशर्स ने दिया था। और वो यहाँ से इंग्लैंड जाने के बाद भी वो शिव भक्त बने रहे। तो जब भी आपको तकलीफ पड़ती है, श्री हरिओम शंभु को याद कीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पाद्यम श्री वैद्यनाथं तमहं नमामि।